स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MSW Study for Jio में। आप देख रहे हैं MSW Study for Jio। बात करते हैं चंद्रयान 2 की, और चंद्रयान 2 जो कि भारत की तरफ से छोड़ा गया था, और चंद्रयान 2 में और क्या क्या था, और इससे जितने ही बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सभी आपके लिए लेकर आया हूँ। और आने वाले जितने एग्ज़ाम होंगे और करंट अफेयर के बेस पर आपके लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आपको सबसे पहले तो कंग्रेट्स, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 सफल हुआ है 100%, और ऑर्बिटर इसका 100% सफल हुआ है, और चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पे अब भी वो परिक्रमा कर रहा है और उस सैटेलाइट से पिक्स भेज रहा है, ठीक है। तो असफलता हमें मिली है, वो दुख की बात है, जो कि लैंडर में लैंडर की कनेक्शन टूटने के कारण जो सफलता मिली है, ठीक है। इससे संबंधित सभी प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गया, तो चंद्रयान किसी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो चंद्रयान किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो अगर आपका आंसर बी है तो बी ही होगा, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ऑर्बिट चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष तक काम करेगा। अगर आपका आंसर डी है तो डी ही होएगा, तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष तक और ऑर्बिट चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान मिशन 2 के तहत कुल कितने पेलोड भेजे गए थे, कितने पेलोड भेजे गए थे, और 13, 8, 3 और 2, और इसका राइट आंसर होगा 13, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का चंद्रमा किस सतह पर कब उतरे थे, ठीक है। तो किस सतह पर कब उतरे थे, और 7 सितंबर को वह उतरे थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रयान 2 के लिए सही है। नंबर 1 होगा चंद्रयान 2 एक स्वदेशी मिशन है। नंबर 2 होगा चंद्रयान 2 चंद्रमा मिशन लॉन्च की तारीख में देरी हो रही है। नंबर 3 है चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के दौरान T56 मिनट में लॉन्च वाहन प्रणाली में एक तकनीकी रोड़ा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसके बारे में सही क्या है, तो सभी सही है, उपरोक्त सभी, तो डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 चंद्रमा मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र का पता लगाएगा। तो किस क्षेत्र का पता लगाने के लिए जो चंद्रयान 2 को सेलेक्ट किया गया था, और इसका राइट आंसर होएगा नंबर बी, इसका राइट आंसर होएगा 2, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जय उतारा गया। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान में कितने मॉड्यूल हैं, तो कितने मॉड्यूल इसमें शामिल किए गए थे, और इसमें 3 मॉड्यूल थे, रोबोट और आपको मैं बता देता हूँ, एक था रोबोट, ऑर्बिट और लैंडर, ठीक है, 3 मॉड्यूल इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 2 चंद्रमा मिशन शुरू करने का क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था, तो उपरोक्त सभी होंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 2 चंद्र मिशन में शामिल है, तो आपको मैं पहले ही बताता हूँ, और 3 मॉड्यूल थे, इन्हें 3 मॉड्यूल बोला गया था, और उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं और फ्री में बिल्कुल, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और जहाँ आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आपने चंद्रयान 2 लिख कर सेंड करना है, तो आपको PDF मिल जाएगा ओनली फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान 2 किस रॉकेट के अंतरिक्ष में ले जाएगा और इसका होएगा, किस रॉकेट में चंद्रयान 2 को चलाया गया था, वो है नंबर 3 GSLV MK3 रॉकेट। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यान लैंडर के रूप में भी जाना जाता है, और इसका राइट आंसर हो गया विक्रम के। नेक्स्ट, रोवर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो रोबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा थ्री, ए और बी दोनों राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑर्बिटर के बारे में सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सभी आंसर इसमें सही बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान टू का कक्षीय द्रव्यमान क्या है? तो कक्षीय द्रव्यमान जो चंद्रयान टू का है वो है सी। ठीक है, ए आंसर होगा सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।